और हम भी समाज के कहीं ना कहीं काम आए। प्रणाम। बहुत बहुत सुंदर, बहुत संक्षेप में और बहुत थोड़े से समय में आपने गागर में सागर दिया स्वामी। आप लोग धीरे धीरे अंबारा की तरफ प्रस्थान करें, वहाँ बिल्कुल शांतिपूर्वक जो भोजन पहले कर रहे हैं उनको करने न दें। अब आप लोग जिनके लिए अंबारा प्रस्थान करेंगे वहाँ से वहीं पर बड़े सीधे दर्शन आप वहीं पर करना। अभी यहाँ से बड़े से सीधे अंबारा अभियान पाओ कि रिपोर्टर सर्कल एंड पीपल समस्त ये अंतर्राष्ट्रीय नाम स्नेह संप्रदाय साहब हमारे संत श्री चकुल राम जी जिन्होंने पिछले 12 वर्ष आयो लाखों का कारण हारा हे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो हे माँ देवहूती बड़ भागी तू जो ऐसो राग दोष मदमान अन आराध बिनावे ग्रह विपत्ति नौ ग्रह विघ्न कोई निकट न आवे। सदा कर भी बैठ सकते हैं। आराम राम भजन कर सदन सीख सुन रे मन मेरा राम भजन कर सीनों से संपन्न होना अति अवश्य होना चाहूंगा क्योंकि सापुरा मेरा राम नहीं कह रहा हूँ उसी धरती का सुरों हजारों में चमकियों से हीरा कहते हैं करके संसार में परचम नहीं लाया राम किस महोत्सव का आयोजन हुआ आगे किस तरह के आयोजन और होने हैं? संपूर्ण विश्व में भारत राष्ट्र धर्म संस्कृति चरित्र का राष्ट्र है, अनेक मतपंथ का राष्ट्र है, उसी के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय श्री रामष्टी संप्रदाय शाहपुरा बहुत ही अपनी अहम भूमिका निभाता है। इस का प्रमुख पीठ श्री राम निवास धाम शाहपुरा है और इसके जन्मदाता महाप्रभु स्वामी रामचरण जी महाराज जिनका उतारण सोड़ा धाम की पवन धरती पर हुआ 300 वर्ष आज पूर्ण होने जा रहे हैं। उस विषय को लेकर महाप्रभु रामचरण प्राकट्य त्रिशताब्दी महामहोत्सव का विराट आयोजन शाहपुरा एवं सोड़ा धाम की धरती पर आज सानंद संपन्न हुआ। शाहपुरा में 2 फरवरी से 7 फरवरी तक ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा और आज 8 फरवरी को यहाँ समापन कार्यक्रम की अद्भुत भूमिका रही। रामष्टी संप्रदाय मानव सेवा गौ सेवा राष्ट्र सेवा के लिए कृत संकल्प है। जिस राष्ट्र का स्वास्थ्य स्वस्थ होता है और शिक्षा स्वस्थ होती है वह राष्ट्र हर प्रकार से संपन्न और समृद्ध होता है। यद्यपि रामष्टी संप्रदाय के अनेक कार्यक्रम होते ही रहते हैं, शताब्दी कार्यक्रम आज संपन्न होने के बाद अगली 6 मार्च से इसकी प्रमुख पीठ श्री राम निवास धाम शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में प्रतिवर्ष की तरह रामष्टी संप्रदाय का वार्षिक कुंभ है जिसे फुल्लोल पर्व कहा जाता है। यह फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा से लेकर के चैत्र कृष्णा पंचमी तक चलता है। होली की पूर्णिमा से लेकर के रंग पंचमी तक देश के कोने कोने से भक्तों का और संतों का आगमन होता है। वहाँ पर प्रातःकाल से लेकर सायंकालीन तक विराट कार्यक्रम चलते हैं 5 से 6 रामधुनी, फिर
8 बजे वाणी पाठ, 10 बजे सत्संग प्रवचन, 5 दिन तक वहाँ पर स्वामी रामचंद्र जी महाराज के वांग्मय स्वरूप अनुभव वाणी जी का शोभा यात्रा कार्यक्रम शहर से रामनिवास धाम रामदरा तक रहता है। मध्याह्नकालीन प्रवचन, फिर रात्रिकालीन सूर्यास्त के समय पर आरती और रात्रि धर्म सभा का विराट आयोजन 8 बजे से 10 बजे तक चलता है। आगामी कार्यक्रम 6 मार्च से 14 मार्च तक शाहपुरा की धरती पर होगा, वह भी अपने आप में प्रतिवर्ष बढ़ता ही रहता है ऐतिहासिक। फिर यथातथा सर्वत्र सत्संग प्रवचन आदि आदि अनेक कार्यक्रम चलते ही रहते हैं। यह कार्यक्रम सोड़ा की धरती पर अब तक के 300 वर्ष के इतिहास में एक अद्भुत अनूठा और स्वर्णिम पृष्ठ रचा जाने वाला कार्यक्रम सिद्ध हुआ। तमाम भक्तों, रामष्टि संप्रदाय के ज्ञानी गुणी मनीषी संतों के सहयोग से और भक्तों के आत्मसमर्पण से इसकी बहुत अत्यधिक विशालता रही। मेरा नाम पत्रकार जगत के प्रति बहुत बहुत हार्दिक सद्भावना व्यक्त करता हूँ। 12 साल से वही पत्रकार राम बाबू निरंतर सतत प्रतिवर्ष जयंती महोत्सव पर सारे क्षेत्र में प्रचार प्रसार करते हैं और इस बार तो बहुत व्यापक प्रचार प्रसार था, जिसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और पूरे राष्ट्र के लिए मंगल कामना करता हूँ। देश की न जाने कितनी विचित्र समस्याएँ चल रही है, परमात्मा समाधान बख्शिश करे और सभी स्वस्थ मस्तिष्क से इस समस्या के बारे में गहरा चिंतन कर अपने जीवन को पवन बनाओ, ऐसी मैं हरती मंगल कामना करता हूँ। मेरा राष्ट्र स्वस्थ हो, मस्त हो, व्यवस्थित हो, संस्कार और संस्कृत हो, ऐसी मंगल भावना करता हूँ। सोड़ा धाम में खूब उत्साह हो रहा है, श्री रामचरण जी महाराज का कार्यक्रम खूब उत्साह के साथ में, लाखों करोड़ों जनता यहाँ पर आई हुई है, उनका सबका स्वागत भी किया गया है, भोजन भंडार भी किया गया है, संतों का खूब मेला लगा हुआ है यहाँ पर। बोलो श्री रामचरण जी महाराज की जय, स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज की जय, सब संतन की जय। छोड़ा संत मानक राम निम्बाड़ा। किस तरह से आयोजन हो रहे, क्या कार्यक्रम चल रहा है? ये रामचरण जी जो महाराज हैं, रामचरण संप्रदाय के आचार्य है, आज उनका जो 300वां प्राकट्य दिवस है, उस पर जो अभी वर्तमान पीठाधीश्वर शाहपुरा के स्वामी जो श्री रामदयाल जी महाराज हैं, उनके सानिध्य में छोड़ा के अंदर बहुत ही धूमधाम से आयोजन हो रहा है। पूरे छोड़ा के ग्रामवासियों ने यहाँ पलक पावड़े बिछाकर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं करी है। पूरे भारतवर्ष से, भारतवर्ष ही नहीं कहेंगे हम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर लोग श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं। आज छोड़ा के अंदर एक राममय माहौल स्थापित हुआ है, सब लोग यहाँ पर स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के जयकारे लगा रहे हैं। बहुत अच्छा कलश यात्रा, बहुत अच्छा आयोजन यहाँ पर हो रहा है। लगभग 300 साधु संत यहाँ पर आए हैं, सभी संतों का स्वागत ग्रामवासियों ने किया है। अभी यहाँ पर जो वर्तमान आचार्य सापरा स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज है, उनके सानिध्य में कलश यात्रा और शोभा यात्रा निकली है। उसके बाद में छोड़ा रामद्वारा के अंदर उनके प्रवचन होंगे, प्रवचन के बाद में विशाल प्रसादी का आयोजन किया गया है। बाहर से जितने भी लोग आए हैं, उनके सबकी रहने की ठहरने की व्यवस्था की गई है।